उज्जैन पुलिस ने शासकीय योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मंदसौर सांसद का पीए बनकर फरियादी से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। अभी तक लगभग 20 लोगों से धोखाधड़ी करना पाया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों की पूछताछ कर रही है। दरअसल 23 नवंबर को उज्जैन निवासी भागीरथ बाथम ने चिमनगंज थाने में शिकायत लिखवाई थी कि लगभग 1.5 वर्ष से उसका परिचित रोहित शर्मा और उसका साथी भूपेंद्र चौहान उससे 5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 15 लाख रुपए सहायता दिलाने के नाम पर ले चुके हैं। जब भागीरथ बाथम को मुख्यमंत्री सहायता कोष के 15 लाख रुपए नहीं मिले तो उसने रोहित से अपने पैसे वापस मांगे। इसके बाद रोहित ने अपने आप को मंदसौर सांसद का पीए बताने वाले सुधीर गुप्ता नामक व्यक्ति से उसकी बात कराई। इसने कहा कि आपके खाते में 7 लाख रुपए आएंगे और इसकी एक रसीद भी दी। भागीरथ बाथम द्वारा शासकीय कार्यालयों में रसीद की जांच कराने पर पाया कि ये फर्जी रसीदें हैं। इसके बाद भागीरथ ने चिमनगंज थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की तो पाया कि रोहित शर्मा और सचिन मित्तल फरियादी भागीरथ के अलावा अन्य 20 लोगों से भी इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य मामलों में भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उज्जैन पुलिस द्वारा एक गैंग को पकड़ा गया है, जिसके सदस्य लोगों के साथ जिनको पैसों की आवश्यकता थी उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस और अन्य कारणों से पैसा ठगते थे और बाद में उन्हें कोई भी सहायता नहीं दिलाते थे। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक व्यक्ति जिसमें सांसद का पीए बनके और दूसरा व्यक्ति पुलिसकर्मी बन के फ़ोन के ऊपर इस प्रकार से ठगी करते थे। अभी तक पूछताछ में लगभग 20 लोगों से ठगी की गई है, ये सामने आया है। पुलिस द्वारा और भी पूछताछ की जा रही है, इसमें कुछ अन्य फरियादी भी हो सकते हैं जिनके साथ ठगी की गई है। पुलिस ने इसमें जो जो सामग्री इस्तेमाल हुई है, फ़ोन है, सिम कार्ड है, कुछ नगद राशि है, ये जब्त। सर कितने की राशि की डिमांड करता था? ब्यूरो रिपोर्ट, दोपहर न्यूज़, उज्जैन।